हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज मैं आप लोगों के साथ मेरे गार्डन में जो डहलिया के प्लांट है उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मेरे प्लांट का हालत है, अभी कैसे ग्रोथ चल रहा है और प्लांट्स पे कितने बर्ड्स आए हैं और इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सभी डालिया प्लांट्स में से देखिए मैक्सिमम प्लांट्स प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर लगे हुए हैं, ब्लैक कलर के देखिए सभी कैरी बैग के अंदर लगे हुए हैं और एक ही प्लांट है जो क्ले पॉट पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक प्लांट है जो मेरे लास्ट ईयर का ही प्लांट है, मैं इस प्लांट से कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बनाया हूँ इस साल। और मेरे ये पुराने प्लांट है, हालांकि इसमें अभी तक बर्ड्स नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट्स में से नए नए से स्टेम निकल के आए हैं और पुराना जो प्लांट था वो सूख चुका है और नीचे से छोटे छोटे से प्लांट्स अभी निकलना शुरू हुआ है। तो इसमें फ्लावर होने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन बाकी जो मेरे प्लांट्स है जिसको मैं इस साल कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ उन सभी का ग्रोथ बहुत ही अच्छे है। इसमें अभी तक किसी भी प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बर्ड्स आना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बर्ड्स लगे हैं। प्लांट का सभी प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे है, किसी प्रकार पेस्ट या फिर फंगल इन्फेक्शंस नहीं है मेरे प्लांट पे और इन सभी प्लांट को मैं कटिंग के थ्रू इस साल ग्रो किया हूँ। तो क्योंकि मैं कटिंग के थ्रू प्लांट्स को ग्रो किया हूँ और मैं थोड़ा लेट हो चुका था इसके कटिंग लगाने के लिए, तो इसलिए मेरे प्लांट पे अभी भी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुआ है। और मेरे देखिए सभी प्लांट ऑलमोस्ट 1.5 फीट के ऊपर हो चुका है और देखिए जैसे कि मैं बताया ग्रोथ बहुत अच्छे हैं। लीव्स के कलर देख के आपको पता चलेगा क्या प्लांट्स का ग्रोथ कैसे है। और ये जो प्लांट है ये तो 2.5 फुट के ऊपर हो चुका है और बाकी सब प्लांट बहुत ही अच्छे से अभी इसका ग्रोथ चल रहा है। आने वाले 15-20 दिनों के अंदर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं बताया मैं मेरे सभी प्लांट्स को कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूं और इसके रिलेटेड मतलब कटिंग कैसे बनाया जाता है डहलिया प्लांट के उसके वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, अगर आप नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। हालांकि अभी तो कटिंग लगाने का समय नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप वीडियो देख सकते हो और आप भी ऐसे कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। मैं मेरे किसी भी विंटर सीजन वाले प्लांट्स को फेंकता नहीं हूँ सीजन खत्म होने के बाद, मतलब डहलिया, क्रिसेंथेमम, मैरीगोल्ड जैसे प्लांट को मैं रखता हूँ शेड पे समर सीजन के दौरान और उसी प्लांट से मैं कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बनाता हूँ। तो आप भी इस तरीके से बहुत सारे प्लांट आपके घर में ही बना सकते हो, इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे और आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। तो अभी बात करते हैं सनलाइट के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे प्लांट फुल सनलाइट पे है, तो किसी भी सीजनल प्लांट को आप फुल सनलाइट पे रखा कीजिए, इससे प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर वाटरिंग की बात की जाए तो हर दिन मैं इसको वाटरिंग करता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप देखिए खाद की अगर बात करूँ तो मैं मेरे प्लांट पे काउडंग ऐड किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा मात्रा में मैं काउडंग और मिट्टी का मिक्सचर करके मैं पॉटिंग मिक्स रेडी किया हूँ और लास्ट 15 दिन पहले मैं एक बार मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड किया था। तो आज मैं दोबारा एक बार मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करूंगा मेरे प्लांट पे। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं और इसको मैं अभी सभी प्लांट पे देने वाला हूँ। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर क्या होता है उसके बारे में पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी जानकारी शेयर कर लेता हूँ। ये सरसों की खली मतलब सरसों पिसाई करने के बाद ऑयल निकलने के बाद जो वेस्ट रह जाता है उसको पानी के साथ मिक्स करके आप प्लांट पे दे सकते हो, सभी प्लांट पे दे सकते हो, लेकिन थोड़े कम मात्रा पे देना चाहिए। ज्यादा मात्रा में अगर दोगे तो प्लांट्स जल जाएंगे और प्लांट्स ड्राई होकर मर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आप घर में किचन में यूज करने वाले सरसों को आप
मिक्सर में पीस कर आप पानी के साथ ऐड करके प्लांट पे दे सकते हो। अगर आप इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हो तो 15 से 20 दिन के अंतराल पे डीएपी और पोटास का मिक्स दे सकते हो। 10 इंच पॉट के लिए 1 टीस्पून काफी है, या फिर आप एनपीके 20-20-20 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी सभी प्लांट पे देखिए आधा मग करके मास्टर केक ऐड करूंगा। मैं हर 15 दिन के अंतराल पे ये करता हूँ, इससे प्लांट्स का ग्रोथ जैसे कि आपके सामने है बहुत ही अच्छे होते हैं, प्लांट बहुत ही हेल्दी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरे डहलिया प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। एक अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, इससे पहले 2 वीडियो मैं डहलिया प्लांट के बारे में शेयर कर चुका हूँ और ये मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर लूंगा, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।